Okay, let's make a pull from here in 3, 2, 1. मैं एक और बात बता दूंगा, दैट अपनी जो ट्रिप है मनाली वाली, उसको ना भाई डाई हार्ड से एंजॉय करना। सो काफ़ी ज़्यादा इवनिंग हो चुकी है इस समय, वैसे तो एनडी फिल्टर का कोई काम नहीं है, बट यार थोड़ा सा रेस से प्रोटेक्ट कर तो ये अच्छा कर ही देता है। जा रहे हैं मोमोज खाने, क्योंकि दिल्ली वालों का तो यही हमारा कैपिटल फूड बन चुका है जहाँ तक मुझे लगता है। छोले भटूरे यार, लॉन्ग बिटरेड बाइक, वेंटिलेशन वेंटिलेशन, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। लेट्स मेक अ पुल फ्रॉम हियर इन 3, 2, 1। Okay, that was brutal. Oh my god, that was brutal. Oh my god, well, accident ko kya ho gaya yaar? Ye bike black hone ke baad. So guys, aaj ki jo hamari sham ki gedi hai na, wo nikal rahi hai towards South Delhi, jahan par hamara Tankush dhaba padta hai. Angel Roadsters naam se wahan pe cafe hai. Kafi acha cafe tha. Aur nana karte hue bhi म्यूजिक ऑन करते हैं। इसका क्या नाम बाइक का भैया? हाँ जी, क्या नाम है इसका? बेनेली। व्हाट अ लॉन्च बॉयज, व्हाट अ लॉन्च बॉयज, व्हाट अ लॉन्च। एक तो मेरी सीरीज थी कश्मीर की जो आपने अच्छे से एंजॉय करी, एक मेरी सीरीज थी पनगूत की जो आपने इतने अच्छे से एंजॉय करी, इतने अच्छे से एंजॉय करी, दैट क्या इमेंस रिस्पॉन्स आया भाई। बट अब आ जाता भाई गिफ्ट पार्ट। आई एम गोइंग ऑन अ बाइक ट्रिप जो की जा रही है मनाली, बारा लाचला एंड शिंकुला, जहाँ पर हमारा फर्स्ट डे, हमारा जो फर्स्ट डे हमारा वो होगा ना स्टे, फर्स्ट डे का स्टे जो है वो डिसाइडेड है मनाली का, सेकंड डे होगा हमारा जिस्पा का, सेम डे हम करके आएंगे शिंकुला पास एंड वहाँ से दिल्ली वापस आ जाएंगे। इस एक्सपेडिशन के अंदर 3 लोग इंक्लूडेड होंगे एंड 2 बाइक्स होंगी। कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मेरी बाइक होगी, नॉट दिस वन ऑब्वियसली, ये बाइक हम नहीं लेकर जाएंगे, बेनेली नहीं लेकर जा रहे हैं हम लेकर जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं, हम लेकर जा रहे हैं अपनी क्लासिक। क्लासिक का ले आने का मेन पॉइंट ये है दैट गाइस, लोडिंग कैपेसिटी 2 लोग उसके अंदर आ जाएंगे एंड लगेज भी आ जाएगा, प्लस तीसरी बाइक पर यश है ही। तो मैं इतना ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना इसको भगाने की चुल हो रही है। नाइस, द टनल इफेक्ट, वो मुझे जान दो। स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर इसकी ऐसी साउंड है, अभी जब इसका डीकट करेंगे हम इसको मोटर स्टोर इंडिया के ऊपर तब इसका क्या हाल होगा, आई डोंट नो। भाई साहब छोड़ो, मुझे क्या दिखा, ऑडी की GT ई-ट्रॉन, ई-ट्रॉन GT जो भी है मुझे नहीं पता, बट दिस फकिंग लुक्स लाइक द RS5 यार और द RS7 यार। दिस फील्स सो मच सुकून इन द साइड। ऑडी की कितनी फेमस हो रही है यार ई-ट्रॉन्स, ई-ट्रॉन मोटर कितनी पावरफुल है पता है आपको गाइस? मैं आपको किस्सा बताता हूँ, जैसे ये वाला जो टर्न है ना, ये इधर जा रहा है और आगे जाकर ना दोबारा इधर मुड़ता है, तो यहाँ पर ना एक बार मैं उसके साथ आया था, मेरा एक दोस्त है भाई, वो दीपक नाम था उसका, एंड हाय है क्या था क्या है, बट ये देखो ये जो कर्व है ना ये वाला, तो इससे ना हम उस टाइम पे जुपिटर स्कूटी हुआ करती थी मेरे पास, तो कॉलेज से हम यहाँ से ना उधर जा रहे थे, तंकुश जा रहे थे, तो तंकुश जाते जाते ना मैंने यहाँ से ऐसे टर्न लेता लेता आया और यहाँ पर ना मैंने स्कूटी पूरी लिटा दी। अब वो बंदा पीछे बैठा हुआ, बंदे ने ना मतलब एक होता है कि भैया आपको ना अपने राइडर के साथ थोड़ा मोमेंटम बना के रखना पड़ता है, तो उसने मोमेंटम बनाया नहीं, अब पीछे वाला टायर ना ऑलमोस्ट स्किड हो गया और आगे वाला भी होने वाला था, तो मैंने एकदम से पैर नीचे करके ना ऐसे ऐसे स्कूटी बैलेंस करके बचाई, और भाई उस दिन के बाद से वो बंदा मेरी स्कूटी पे ही नहीं बैठा बताओ। एंड जो ये वाला रास्ता है, ये अपना वसंत विहार वाला रास्ता है, वसंत कुंज वाला, फोर्टेस वाली रोड है ये, तो यहाँ पर की खासियत ये है दैट दोनों तरफ जंगल है। कौन सा जंगल? वो जो संजय वन पड़ता है, संजय वन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वैसे तो मेरे जीजू के पास है जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया था, मुझे याद है। एंड यहाँ पर ना साइड में कुछ ना एक तालाब सा पड़ा था, तो उसके अंदर बताते रहे भाई ये हॉन्टेड वॉन्टेड है, ऐसे ऐसा सीन है इसका। वैसे अब शाम को सुबह हो गए संजय वन के अंदर, यहाँ से एंट्री है, बड़ा खूबसूरत है अंदर, मतलब बहुत तगड़ा अंदर से ना, अंदर जाओ वॉक वॉक करो। हम एक बार सारे ना अंदर गए थे एक बार,
का ढाबा भी है वो फुद्दू वाला नहीं, अच्छे वाला है। इतनी गर्म हो रखी है ना एक तो बाइक। आज अकेले हैं, कल पक्का किसी और के साथ भी आएंगे। अब दोस्तों यस द कॉफी, बट द अपडेट इज लो लाइफ वाली। मैं यहाँ टैग कर दूंगा आईडी राही, राही की वो है पोलो। मैं एक और बात बता दूंगा दैट अपनी जो ट्रिप है मनाली वाली उसको ना भाई डाई हार्ड से एंजॉय करना, क्योंकि उसके अंदर बाइक पे जा रहे हैं बाइक की एक्साइटमेंट अलग होती है, रिस्क होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ ही साथ अलग अलग ना वो होते हैं सिचुएशंस होती हैं। मैंने रखा हुआ पसीने आ रहे हैं, पंखा चल नहीं रहा, ये भी चलो पार्ट ऑफ लाइफ है, एंजॉय करते हैं इसको। बाइक की जो हेडलाइट्स है वो काफ़ी सही है, मैंने कॉफ़ी एंजॉय करी और साथ में खाई है मैगी और साथ में भी एक वाटरमेलन मोहितो। वाटरमेलन मोहितो के साथ एक और डिफरेंशिएशन आ गया कि दैट वाज नॉट एक्चुअली वाटरमेलन, दैट वाज वाटरमेलन फ्लेवर। 10 आवर एनिवर्सरी एडिशन आगे खड़ा हुआ था, मुझे तो लगा था H2 है क्योंकि हेडलाइट देखने में एकदम H2 लग रही थी भाई। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी ट्रिप है दैट वुड बी अराउंड 1700 किलोमीटर्स, तो उन 1700 किलोमीटर के अंदर ना हम प्लेन से लेकर पहाड़ से लेकर एक पासिस से लेकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कवर करेंगे एंड उन अलग अलग चीज़ों के अंदर बहुत सारे एडवेंचर भी है, बहुत सारी बातें भी हैं, बहुत सारे मोमेंट्स भी हैं एंड आई थिंक कि भाई स्नो मिल सकती है क्योंकि जून के महीने के अंदर पिछले साल 12 लास्ट के अंदर हमें स्नो मिली थी एंड स्नो गेट माउंटेंस मिले थे। सो या आई विश फॉर द सेम एंड आई थिंक गाइज दैट यू विल एंजॉय द थिंग, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द थिंग। ये KTM वाला गया ना आगे, ये प्रोवोक कर रहा था कि मैं रेस लगाऊं इसके साथ और ऑब्वियसली ये बाइक को मैं इतने ट्रैफिक में से कट आउट नहीं कर सकता। तो या आई नो हिम बट ही डोंट नो मी, कि जिसकी शॉप के सामने से निकलता है वो मेरी है। एक फ्लैट आउट मार दे क्या, बड़ा अच्छा लगता है भाई किसी की ईगो तोड़ते हुए ना। क्यों इतनी ईगो रखते हो भैया, तो संभाल ही नहीं आती, तो क्यों इतनी ईगो रखते हो नहीं। हाँ कोई बात नहीं यार, परफेक्ट है भाई। दुकान है ना जहाँ पे, तो वो बिल्डिंग हमारी है बार। हाँ जी हाँ जी, अरे बिल्कुल यार बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। बाइकिंग भी करते हैं साइकिलिंग भी करते हैं बट साइकिलिंग फिट होने के लिए करते हैं। की आइटनरी हम उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे, दिस वुड बी अ कंप्लीट एंड्योरेंस रन जहाँ पर मनाली जिस्पा श्रृंखला दिल्ली। दिस वुड बी माई हेलमेट जिसको मैं पहनूंगा SMK टाइटन, बी द कम्प्लीट अटायर ऑफ अ विंड शटर दैट इज ब्रीथेबल मटीरियल, क्योंकि उसको एकदम से मैं गेयर्स के अंदर नहीं डालूंगा, उसको मैं हैंड एंड गार्ड प्रोटेक्शन बेटर हेलमेट एंड ये वाला हेलमेट जो है फ्रॉम स्टड्स, दिस वुड बी द हेलमेट दैट शील बी वेयरिंग विद द इंटरकॉम। सो या इंटरकॉम अभी इसके अंदर टेम्प्रेरी लगा है, फिट इसको कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस व्लॉग एंड ये बस एक छोटा सा अपडेट था रिगार्डिंग एवरीथिंग, बाकी तो आपको पता ही है कि बाइक के ब्लॉग्स आने वाले, सो आपको प्रिपेयर कर रहा था। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, वहाँ पर मैंने पोस्ट डाली है एंड यूट्यूब कम्युनिटी से तो आपको सारी चीज़ें पता चली जाएंगी। सो अभी करते हैं सारी चीज़ें कंप्लीट एंड यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अपने सारे गैजेट्स भी चार्ज पे लगे हुए हैं। इधर देखो भाई ये ट्रक जेट है ना एकदम, और ये चलता भी है आराम ज़्यादा। तो या गाइज अभी आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड चलो राइड की प्रिपरेशन करते शुरू।